अस्सलाम वालेकुम शब शब खुश आमदी बात करेंगे महरूम के एपिसोड में 34 के प्रमुख के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा जब वो खेत छाता है नसीम फातिमा से और सारा टाइम जाता था किस तरह महरनी से सब कुछ किया और किस तरह उनकी शादी नहीं हो पाई। दूसरी तरफ उसे घर भी ड्रॉप करता है और कहता है कि जिंदगी में कुछ इंसान सब कुछ खो देता है और दूसरी तरफ वो उसे जोया को भी धमकी देता है और वहीं अब उसकी माँ को भी कहता है इसको समझाओ। वहीं जायरा माँ बनने वाली होती है और काफ़ी खुश होती है, उसके सास उसका काफ़ी ख्याल भी रखते हैं लेकिन वो उमर को ये खुशी नहीं देना चाहती। आने वाले एपिसोड में देखें उमर से जब वो प्रोजेक्ट की बात करता है तो कहता है कि आप फिक्र मत करें हमें ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा। वहीं उसे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, मेरे भी कुछ अपने रीजन है जिस वजह से मैं जाना चाहता हूँ। वहीं वो बच्चों के कलेक्शन में जाकर नसीन कुछ देख रहे होते तो वहाँ जोया से पूछते तो कहती है कि मैं तुम्हें बताऊँ जरूरी नहीं समझती, वो कहती है कि मैं खुद ही पता करवा लूंगी अपने तरीके से। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में आखिर क्या होगा क्या। और दूसरी तरफ वो जायरा को कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए ताकि उमर को पता चले अब वो तुम लड़की नहीं हो जिसको उसने घर से निकाला, तुम एक अलग जायरा हो। अब देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा जब नसरीन और उसका होगा अपना सामना, क्या महर जैसे टॉक्सिक इंसान से नसरीन की जान छूटेगी या नहीं। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।